नंदिनी, ये क्या किया तुमने? अब क्या गलत कर दिया मैंने? मैं तुम्हारा 5 लाख रुपया कैसे दूंगा? मुझसे पूछे बगैर बाकी लोगों को रुपया क्यों दिया? 3 लोग रह गए थे जो तुझे परेशान कर रहे थे, बस उनसे तेरी जान छुड़वा दी मैंने। लेकिन क्यों? अरे मेरी नीयत पे शक ना कर रतन लाल, मैंने किसी लालच में नहीं किया रही तेरे लिए। तेरी परेशानी इन रुपयों से महंगी नहीं थी रे। तुम क्या समझती हो खुद को? बड़ी पैसे वाली औरत हो, खरीद लोगी मुझे? तुम ना रतन लाल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे गलत मत समझ। ठीक समझाऊं मैं? मुझ पर बुरा वक्त चल रहा है मगर हमेशा नहीं रहेगा। तुमने क्या सोचा, मेरा कर्जा उतार दोगी तो मैं घबरा के शादी कर लूंगा तुमसे? रे 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 ना रतन, मेरे ऐसे भाग्य का मैं मन में कुछ नहीं रखती, यही मेरी मजबूरी है। मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ, सामान बांधो। अरे मन में नहीं बसाते हो तो फिर जहां मन चाहे वहां। अरे सीता, तेरे तो बाल इतने रूखे हो रहे हैं, तौबा है। जितनी किताबें तू पढ़ती है ना, तुझे तो हर हफ्ते सर में तेल लगाना चाहिए। बस अब तुम आ गई हो ना दीदी, अब तुम जानो और मेरा दिमाग। अरे दिल दिमाग के सारे मामलात में अच्छी तरह समझती हूँ। ये बता, कोई पसंद आया? हाँ ना, तुम पसंद हो, माला पसंद है, धरती पर रहने वाले सारे लोग पसंद। अरे चल, माला और मैं तुझसे शादी थोड़ी करेंगे, मैं तो घर बसाने की बात कर रही हूँ। सोचा तो क्या, अब कमरिया तो निकाले फिर रही है, क्या मेरी तरह उमरिया भी निकाल देगी? अब घर बसा ले। नंदिनी, तुम्हारे लिए घर देखा है, थोड़ा दूर है मगर अच्छा है, चलो। ठीक है महाराज, कब तक जाना होगा? कभी नहीं, कभी नहीं, रहने दे रतनलाल, नंदिनी के लिए कोई अच्छा सा घर देखना है। काका, घर वाले तंग हो रहे हैं और हमारे पास जगह वैसे ही कम है। धन्यवाद बद्री काका, जिसकी मेहमान हूँ जब कोई तंग हो रहा है तो फिर जाना ही। अरे तू मेरी और सीता की मेहमान है। और मेरी भी। भैया, नंदिनी दीदी हम सब के मन को भा गई, कुछ दिन और इनको यहाँ पर रहने दो। ठीक है, फिर इतने रोज मैं कहीं और रह लेता हूँ, तुम लोग रहो अपनी मेहमान के साथ, लगाओ मन तुम लोग। अरे रतनलाल, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, सुन रतन। अरे रतन, रतन सुन, यूं मेरा बेटा होकर मुझे पीठ दिखाएगा तू? काका ये क्या है यार, तो कौन लगती है हमारी? एक मैं जानता हूँ नंदी तुझे रास्ते में मिली है, मगर वो बहुत अच्छी औरत है। हाँ मैं जानता हूँ वो अच्छी औरत है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं मैं उसे विवाह कर लूँ। हाँ है, इसका मतलब है मेरी और तेरी बिरादरी तो यहाँ है नहीं, 2-4 लोग हैं वो हमसे मिलते नहीं है, कहाँ करेगा शादी? काका मैंने और माला ने फैसला किया था, हम हमेशा तेरे और सीता के साथ रहेंगे, ये बीच में नंदिनी कहाँ से आ गई? ऐसा हो नहीं सकता, सीता और माला की शादी हो जाएगी, मैं मन भरा जाऊंगा, तू क्या करेगा? काका मेरे हालात जानते हो, फिर भी ऐसी बात, और वैसे भी मैं और सीता, मैं जानता हूँ तेरे हालात अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तो कहता हूँ कि नंदिनी तेरे लिए अच्छा जोड़ है, वो तेरा बहुत ख्याल रखेगी। सीता किसी डॉक्टर के साथ घर बसाना चाहती है, माला का रिश्ता मैं ढूंढ रहा हूँ, तू भी हाँ कर दे। लेकिन काका वो मुझसे बहुत बड़ी है नंदिनी, और मैं खैर अब क्या कहूँ, मैं खुद ही मुसीबत अपने घर डाल रही, ना वो यहाँ आती और ना ही ऐसा बन चढ़। बात नहीं करे रतनलाल, उसने जो उपकार किया है उसका तुझे अंदाजा नहीं। मैं औरत के पैसों का उपकार नहीं ले सकता काका, मर जाऊंगा। नंदिनी तुझसे प्रेम करती है बेटा, प्रेम वो उपकार है जो चलाया नहीं जाता, तू दिमाग को ठंडा करके सोच, तो तेरी समझ आ जाएगी।